बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लीजिए व्यूअर्स, हमारे जाने का वक्त आन पहुंचा है और ये हम वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, अपने सफ़र की तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी जो है पैकिंग वो कंप्लीट हो चुकी है और बस मैं अपने सूट केसेस को और बैग्स को लॉक लगा रही हूँ। और ये जी हमारे जो है रुखसती के जो है सीन, अब आप देखिए कि बस हम रुखसत हो रहे हैं और मेरी फैमिली वाले जो हैं वो मुझे सी ऑफ करने के लिए बाहर आए हैं। और ये मॉर्निंग का, सुबह के 6 बजे का वक्त है, 6:30 बजे का। तो सारी रात हम सोए ही नहीं, इसलिए कि हमने जाना था तो हम भी जागते रहे और मेरी फैमिली भी। तो बड़े दुखी दिल के साथ जो है वो हमने जो है सबको खुदा हाफिज़ का, बच्चे भी बहुत उदास हो रहे थे और मैं भी, और सारी रात जो है बस हम लोग जागते रहे और जो है बस बहुत उदास होते रहे, दुखी होते रहे, बल्कि रोना भी आता रहा। तो दिल नहीं चाह रहा था कि हम लोग जाएं, और ख़ास तौर पे जब आपके माँ बाप जो कि बूढ़े हो जाएं और उन्हें बीमारियां घेर लें, तो जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो उनको इस हालत में छोड़ते हुए, एक बेटी को जो तकलीफ़ होती है ये मैं भी समझ सकती हूँ और बेटियां जो दूसरी हैं वो भी समझ सकती हैं कि कैसा फ़ील होता है जब आप इस तरह इस हालत में अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को वापस छोड़ के फिर से अपनी जो है अपने घर की तरफ दोबारा चले जाते हैं, इतनी दूर, हज़ारों मील दूर। जी मेरी वीडियो इस सेंस में बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा वापसी का जो एयरपोर्ट है वो लाहौर नहीं है। इस दफ़ा हम लाहौर से वापस नहीं जा रहे, बल्कि इस दफ़ा हम सियालकोट एयरपोर्ट से वापस जो हैं वो जा रहे हैं। और ये देखिए आप इस वक्त जो मंज़र देख रहे हैं ये सियालकोट एयरपोर्ट का है। और बस ये हम अपने आप को इमिग्रेशन से क्लियर करवा के इस वक्त जो इनकी जो बिज़नेस क्लास लाउंज है इनका, इस वक्त हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ऑल दो कि हम इकोनॉमी से सफ़र कर रहे थे, लेकिन सम हाउ हमें एक्सेस मिल गई बिज़नेस लाउंज में बैठने की। तो हम यहाँ बैठ के बहुत रिलैक्स कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का जो इन्होंने बफे लगाया हुआ है वहाँ से चीज़ें ले लेके खा रहे हैं। और आप देखिए कि इन्होंने कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, एग रोल्स और रखे हुए हैं इन्होंने, बंस रखे हुए हैं, केक्स, पेस्ट्रीज और डिफरेंट किस्म के स्नैक्स रखे हुए हैं। तो जी बस हमने थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया और थोड़ा ब्रेकफास्ट लिया, चाय पी, और चाय पीने के बाद जो है हम बोर्डिंग के लिए हम तैयार हैं और बस हम जा रहे हैं। बस हमारा जो प्लेन है वो बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है और बस सब पैसेंजर्स जो हैं वो जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सियालकोट एयरपोर्ट के आप मनाजिर देख रहे हैं या बाहर से भी देखिए, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है ये, बिल्कुल नया ही बना हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन खूबसूरत बना हुआ है और बड़ा साफ़ सुथरा। और यहाँ पे एक और चीज़ देखी मैंने कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स खासे ज़्यादा थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट चेक थे। तो शायद इसकी वजह ये है कि यहाँ पे लाहौर से रश कम है तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा टाइम लगाते हैं आपको, आपकी चेकिंग में हर चीज़ में तसल्ली से सब कुछ करते हैं। तो जी ये हम अपनी प्लेन में एंटर होने के लिए वेट कर रहे हैं और इस वक्त ये हमारा जहाज़ आपको जो नज़र आ रहा है ये है बोइंग 777 जो कि एमिरेट्स की फ़्लाइट है। और अभी हम इस प्लेन से सफ़र करेंगे और हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली हम दुबई पहुंचेंगे पहले, और ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, हमारा वहाँ पे 2 घंटे का स्टे है। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि सियालकोट एयरपोर्ट से हमें जो बोर्डिंग पास इशू किए गए हैं वो सिर्फ सियालकोट टू दुबई हैं, दुबई टू यूके के जो बोर्डिंग पास हैं वो यहाँ से संभव किसी प्रॉब्लम की वजह से इशू नहीं हो सके, जो कि परेशानी की बात है। मुझे ये थोड़ा सा मैं वरी हूँ कि ये ना हो कि वहाँ दुबई पहुँचें तो आगे से बोर्डिंग पास जो है वो इशू होने में प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई और मसला ना बन जाए। तो इस चीज़ से बहरहाल ज़रा परेशानी थी, लेकिन बहरहाल इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी कि आप तसल्ली रखें, और भी कई पैसेंजर्स हैं जिनको बोर्डिंग पास इशू नहीं हो सके तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे तो ट्रांसफ़र बेंच पे आप जाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो जी बस ये आप देखिए, ये मनाजिर जो हैं ये सियालकोट एयरपोर्ट के रनवे के हैं और ये हम बोइंग 777 जो है इसमें एंटर हो चुके हैं और बस अपनी सीट्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं हम लोग।
तो स्टाफ जो है वो हमें हमारी हेल्प कर रहा है कि हमें जो है हमारी सीट्स ढूंढने में कि कहाँ हैं। तो इस वक्त हम ये बिज़नेस क्लास से गुज़र रहे हैं और हमारी सीट्स जो हैं वो बिज़नेस क्लास के बिल्कुल एग्जैक्टली जो पीछे है इकोनॉमी क्लास, हमें वहाँ पे मिली हैं। और ये विंडो के साथ सीट्स नहीं थी, ये जो सेंटर में जो रो बनी हुई थी उनके साथ जो है वो हमें ये तीन सीट्स थी हमारी। तो बच्चे बेतहाशा थके हुए थे क्योंकि वो सारी रात सोए नहीं थे। तो छोटा बेटा तो कोशिश कर रहा था कि वो प्लेन में जाते ही सो जाए। मैंने अपने छोटे बेटे को उठाया और उसको कहा कि नहीं, अभी सोना नहीं है, अभी बस प्लेन जब टेक ऑफ हो जाएगा तो फिर वो सो जाए। पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने छोटे बेटे को जगाया और उसको कहा कि वो थोड़ी देर और जागे और जो है वो सफ़र की दुआ और जो है आयतुल कुर्सी और चारों कुल जो है वो पढ़ ले, ताकि अल्लाह ताला हमें सफ़र के दौरान जो है वो हिफाजत में रखे। तो जी ये जहाज़ का जो स्टाफ है, जो एयर होस्टेस हैं, वो बस सामान वगैरह जो हैं लोगों के जो लगेज और जो हैंड कैरीज हैं वो उनको फाइनली जो है वो रख के जो है वो बंद कर रही हैं। जी हमारी फ़्लाइट जो है उसको सुबह 10:10 पर जो है वो यहाँ से टेक ऑफ होना था और तकरीबन 10:05 जो हैं वो ऑलरेडी हो गए हुए थे। और अब जो है जहाज़ जो है वो रनवे पर जो है वो चलना शुरू हो गया है। बस अनकरीब ये जो है हमारा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ हो जाएगा। और काफ़ी पंक्चुअल रहा है सारा थ्रू आउट ये सिस्टम इनका। ऑल दो काफ़ी पैसेंजर्स थे, फ़्लाइट बड़ी थी, लेकिन बिल्कुल टाइम पे 10:10 पे ही हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि जहाज़ बिल्कुल अपने राइट टाइम पे टेक ऑफ जो है वो कर गया है। और टेक ऑफ करते ही इन्होंने थोड़ी ही देर बाद जो है हमें जो है मील जो है वो सर्व कर दिया। ये आप देख सकते हैं जी, मुझे जो सर्व किया है इन्होंने, ये ज़ीरा राइस थे और साथ में ये जो कुछ लैम्ब करी जो थी वो थी साथ में, और डिज़र्ट में रस मलाई थी। मुझे कोल्ड ड्रिंक में 7 अप विद लाइम था और साथ में जो है वो एक कोई दाल टाइप की चीज़ थी, वो भी अच्छी थी, मज़े की थी। तो ये थी बच्चों के लिए जो उन्होंने मील उनको दिया है, ये वेजिटेबल राइस थे और साथ में चिकन बॉल्स थे और साथ में इनका कोई जो है कोई सैलड वगैरह था। तो बस ये हमने मील अपना खाया और मील खाने के बाद जो है उन्होंने चाय सर्व की, मैंने चाय पी। और जो है चाय पीने के बाद जो है मेरे बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम तो सोना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि बेहतर है कि फिर वो सो जाएँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन चूँकि फ़्लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं था, 3 घंटे की हमारी 3 घंटे और 10 मिनट की फ़्लाइट थी, तो मैंने उनको यही कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा जो है वो सो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सो सकते। तो बहरहाल बच्चे चूँकि थके हुए थे उनसे वो ज़्यादा जाग नहीं सकते थे, तो फिर वो सो गए। तो बस ही मैं जो है वो यूजुअली प्लेन के अंदर मुझे नींद नहीं आती, तो फिर मैं जो है वो ज़्यादातर जो है वो टीवी देखती रहती हूँ जी। लेकिन टीवी पर मैं कोई मूवीज़ या कोई ड्रामा या कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं देखती, मैं जो है वो नेविगेशन ऑन कर लेती हूँ, बस ये देखती रहती हूँ कि हमारा प्लेन बस कहाँ पहुँचा है। कभी मैप्स खोल लेती हूँ और कभी जो है वो कैमरास जो हैं वो ऑन कर लेती हूँ, और जो कैमरे के मनाजिर होते हैं जो एमिरेट्स की जो हैं वो सिस्टम में लगे होते हैं, जिसमें कि आप कभी वो नीचे का कैमरा जो है वो आपको नीचे के मनाजिर दिखा रहा होता है, कभी आसमान का मंजर नज़र आता है, कभी जहाज़ का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नज़र आता है। तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बस मैं बस वही देखती रहती हूँ पूरा पूरा टाइम। कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे जहाज़ में क्यों नींद नहीं आती। तो बस साथ साथ मैं ये चीज़ें देखती रहती हूँ बस, और साथ साथ दुआ भी करती रहती हूँ, जो है वो दिल ही दिल में दुआ करती रहती हूँ। तो बस ये हमारा सफ़र ये जो है ये शॉर्ट था, कोई बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी, 3 घंटे 10 मिनट की थी। तो बस हम जो है वो दुबई के आसपास ही पहुंच गए हैं, और ये आपको देखें जो है दुबई की आबादी नज़र आ रही है, और आपको ये दुबई एयरपोर्ट का रनवे भी नज़र आ रहा है, और बस हम बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर लैंड करने वाले हैं जी। तो अल्लाह के फजल करम से
बिल्कुल बाफाजत और खैरियत से जो है हम दुबई एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड कर चुके हैं और बस अब दुबई एयरपोर्ट के बस करीब जो है हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम लैंड होते हैं तो थोड़ी देर के लिए जहाज़ जो है रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली चलता रहता है। तो बस मुझे अब स्ट्रेस हुआ हुआ है, थोड़ी परेशानी हुई हुई है, क्योंकि हमें बोर्डिंग पास नहीं इशू हुए हुए जो दुबई टू यूके के हैं। तो मुझे जहाज़ से फ़ौरन उतरते ही सबसे पहले जो है ट्रांसफ़र डेस्क जो होता है उनका वहाँ पर जाना पड़ना है और वहाँ से जाके अपने बोर्डिंग पास जो हैं वो इशू करवाने पड़ेंगे। तो बस उसी का मुझे स्ट्रेस है, क्योंकि हमारा स्टे भी बहुत लंबा नहीं, सिर्फ 2 घंटे का है, तो हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर तो टर्मिनल इतने बड़े बड़े होते हैं कि यहाँ से एक टर्मिनल पे जाना हो तो काफ़ी वक्त लग जाता है, तो उसी में आपकी फ़्लाइट दूसरी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फ़्लाइट से जल्दी हम बाहर आएँ, तो हमने अपने जो हैंड कैरी हैं फटाफट वहाँ से निकाले, और चूँकि फ़्लाइट में रश काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स थे, फुल भरा हुआ जहाज़ था, तो बहरहाल यहाँ से हमें निकलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, और लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बस जल्दी जो है वो यहाँ से निकलें। तो बस ही हम मेन डोर पर पहुँच गए हैं। बच्चे मेरे जो हैं वो लैंड होने से पहले सोए हुए थे, तो उठ नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किलों से उनको उठाया, मैंने उठा तो लिया, लेकिन स्टिल वो बेचारे नींद में थे और बहुत ज़्यादा डिजी फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे थे। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कि हमें जो है वो बहुत क्विकली जो है वो यहाँ से जहाज़ से निकल के जो है वहाँ ट्रांसफ़र डेस्क पर जाना है, चूँकि बोर्डिंग पास इशू कराने हैं। तो बस हम बहुत क्विकली जो है वो जहाज़ से निकले हैं और तेज़ी से वॉक करते हुए हम जो है इस वक्त जा रहे हैं ट्रांसफ़र डेस्क पे। तो बस जी ये हम खैरियत से पहुंच गए हैं, तो अब आप मेरा जो है नेक्स्ट व्लॉग जो देखेंगे उसमें आप हमारे बाकी के जो सफ़र है उसकी कहानी सुनेंगे, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हम यूके पहुंच चुके होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी की जो स्टोरी है वो आप मेरी जो इसी व्लॉग का जो पार्ट 2 है उसमें देखेंगे। तो फिर मिलेंगे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।